तान्या आप ठीक हो? गुड मॉर्निंग। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग की डेफिनेशन बताई थी। सो कैन एनीवन रिवाइज द प्लानिंग डेफिनेशन? ओके, एकांश ठीक है। प्लानिंग इज द प्रोसेस डिसाइडिंग व्हाट टू डू बिफोर यू डू इट। मींस फर्स्ट यू मस्ट डिसाइड एंड मेक अ प्रॉपर प्लान, देन ओनली यू मस्ट गो फॉर योर डेवलपमेंट प्रोसेस। So there are
मैनुअल्स एंड वेरियस प्लानिंग अप्रोचेस नोन एज प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस कंटेन्स वेरियस स्टेप्स बाय विच वी कैन प्लान आवर टास्क इन मीनिंगफुल वे विदाउट एनी एरर एंड एनी इंटरप्शन. सो फर्स्ट वन इज टीम बिल्डिंग, मॉडलिंग एंड कंसेंसस. कंसेंसस, सो फर्स्ट प्रोसेस इज प्लानिंग प्रोसेस. टीम बिल्डिंग मीन यू मस्ट बिल्ड अ टीम, ग्रुप ऑफ पर्सनेल. इफ यू वॉन्ट देन यू कैन बिल्ड अ सिंगल टीम. इफ देयर इज वेरियस टास्क देन यू मस्ट बाइफरकेट योर टीम, डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफरेंट टीम्स ऑल्सो हैव अ टीम लीडर. एक टीम लीडर प्रॉपर वहां पे होना चाहिए. देन कम टू द मॉडलिंग. मॉडलिंग मीन्स वॉट एवर HDLC मॉडल आर रिक्वायर्ड आर सुटेबल फॉर योर डेवलपमेंट प्रोसेस यू मस्ट सेलेक्ट. जिसमें कि हमने आपको बताया था वाटरफॉल मॉडल है, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, ये सब हमने आपको डिस्कस करके बताया था. दीज आर ऑल्सो डिफरेंट मॉडल्स एंड ऑल्सो सुटेबल फॉर डिफरेंट कंडीशन ऑल्सो. ठीक है, सपोज इफ यू नो योर प्रोजेक्ट वेरी वेल देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट एनी बैक ट्रैकिंग इज पॉसिबल और मे अकर देन यू शुड गो स्ट्रेट फॉरवर्ड बाई यूजिंग वॉटरफॉल मॉडल. बट इफ देयर इन एनी सिचुएशन एनी कंडीशन यू डिसाइड दैट रिविजन ऑफ प्रीवियस स्टेप and then revise the other previous step, then you must follow iterative waterfall model. Okay, third one is your prototype model. Prototype model is a process in which first of all you investigate the problem of user and after the investigation you build a quick toy model, dummy model or prototype and put to the customer table for approval. जिससे कि वो जज कर लेता है कि वॉट एवर ही टोल्ड यू यू इम्प्लीमेंट एज इट. इफ ही इज सेटिस्फाइड देन गो टू द डेवलप प्रोसेस. इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड यू री रिफाइन द इट्स रिक्वायरमेंट एंड री डेवलप द प्रोटोटाइप मॉडल. फोर्थ वन इज स्पाइरल मॉडल. स्पाइरल मॉडल इज यूज when there are many risks. You assume that there are many risks in future step, in next development process, then you must discover the risk and act accordingly. ये चार तरह के मॉडल लगभग है जो कॉमनली यूज होते हैं एंड ऑल्सो देर आर मैनी सिचुएशन फ्रॉम विच यू कैन जस्टिफाई और यू कैन डिसाइड विच मॉडल इज सुटेबल फॉर योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर. थर्ड वन इज कंसेंसस. कंसेंसस मीन्स डिस्कशन, शेयर्ड व्यूज अमंग द टीम मेंबर्स विद टीम लीडर्स. मीन्स एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर टाइप का कॉन्फिग्रेशन होना चाहिए आपके टीम में एंड एनी वन कैन शेयर दियर विजन और थॉट सो दैट यू कैन कंक्लूड टू गो अ मीनिंगफुल एंड ऑप्टिमम सोल्यूशन. सेकेंड प्रोसेस इज इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग वॉट दे हैव एकम्प्लिश्ड एंड द रिसोर्सेस they have acquired. Means
इवेलुएटिंग व्हाट दे हैव अकम्प्लिश्ड मींस व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट यू शुड इवेलुएट एंड जस्टिफाई विद योर ओन थॉट्स. देयर आर मेनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स और टेक्निक्स बाय विच यू कैन इवेलुएट एंड जज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. मींस जिसमें हमने आपको बताया था ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ठीक है, मोटिवेशन, दीज आर द इनपुट रिकॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स टेक्निक्स बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज द एक्चुअल नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. एंड ऑल्सो यू मस्ट इवेलुएट एंड फाइंड आउट द रिसोर्स द क्लाइंट हैज एक्वायर्ड. जो क्लाइंट अपने पास रिसोर्सेज को कंटेन करता है उसको भी आप पहले ही जज कर लेंगे, इवेलुएट कर लेंगे. थर्ड वन इज एनालाइजिंग दियर बिजनेस इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. मीन्स डियर का मतलब है योर क्लाइंट. यू मस्ट एनालाइज डियर बिजनेस इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. किस किस इन्वायरमेंट पर उनका काम क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, व्हाट इज द एक्चुअल बजट, उनका बजट भी कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भाई, दे कैन इन्फ्लुएंस योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर. फोर्थ वन, एंटीसिपेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट. Evaluating the impact of future development means the future scope of the solution whatever provided by you to your client and what will be actual problems that may occur whenever your solution is put to the client side. So, ये सब आपको पहले ही evaluate कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है. नेक्स्ट, बिल्डिंग अ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, शेयर्ड विजन, बिल्डिंग अ शेयर्ड विजन एंड डिसाइडिंग ऑन व्हाट गोल्स दैट दे वांट to achieve. Also, you must decide and find out or recognize the goal of your client, the motive of your client and the main strategies whatever is followed by them and the strategies whatever is followed by you to fulfill the need of your customer. Last point, but not least, deciding what action to take their achieve. Deciding what actions to take to achieve their goal means the action, the method, whatever is opted by you, whatever decided by you, what will be the looking of form, how you can implement the database, how you can connect the GUI form with the database, what is the possible report that your client must know and what the requirement of actual client which he can make any thought consensus for the growth of their organization. तो ये सब आपको decide करना है. These are all six planning process
बिफोर डेवलपिंग योर सॉफ्टवेयर। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी प्लानिंग प्रोसेस की बात हो, प्लानिंग अप्रोच, एल्गोरिथम, किसी तरह का कोई भी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग या रिगार्ड कॉन्टेक्स्ट टू द प्लानिंग जब भी पूछा जाएगा तो आपके यही 6 स्टेप्स होंगे। नेक्स्ट कम टू द प्लान। एक प्लानिंग तो हमने पता चल गया क्या होती है, प्लानिंग प्रोसेस होता है ये क्या है, ये भी हम लोगों ने पता कर लिया। नेक्स्ट कम टू द प्लान। व्हाट इज प्लान? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज प्लान? एक जनरल डेफिनेशन बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय प्लान? क्या नाम लेके बोलूं कि कोई भी वॉलेंट्री बोलेगा? कौन? ओके, और हाँ, और भी कोई कुछ बताएगा? ओके, देखिए जितने लोगों ने बताया बिल्कुल सही बताया, बट हमें क्या करना है, इसको टेक्निकल टर्म में एंड अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्टेक्स्ट डेफिनेशन हमें देनी है। ठीक है, तो हम लोग ने सबसे पहले इसलिए प्लानिंग क्या होता है ये पढ़ लिया, फिर प्लानिंग प्रोसेस है क्या पढ़ लिया, देन कम टू द प्लान। मींस जो प्लानिंग प्रोसेस है इसका जो रिजल्ट होगा इसी को हम लोग कहते हैं प्लान। देखिए हमने बहुत बार बताया था, जब प्रोग्रामिंग की थी तब भी बताया था, अवर मोटिव शुड बी क्लियर, अवर मोटिव और गोल शुड बी वन। मींस व्हाट एवर वी लर्न स्टडीड इट मस्ट बी यूज अगेन एंड अगेन वेयर एवर इट अप्लीकेबल। मतलब हमको कोई अलग डेफिनेशन ना बनानी पड़े, जो हमने पढ़ लिया है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो नॉलेज है उसी को इम्पोज करना है टू डिफाइन अनदर टॉपिक और दी कोई भी आप कंसेंसस में मान लीजिए या कोई भी थॉट्स हैं उनको भी अपने प्रीवियस थॉट के बेस पे ही बिल्ड करना है। सो द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज नोन एज प्लान। बाकी जिसने बताया सब ने सही बताया, किसी ने गलत नहीं बताया। ठीक है, लेकिन जहां हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा है और ये वो डेफिनेशन आपको याद भी रहेगी, अप्रोप्रिएट भी रहेगी। सो द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज प्लान। यानी आसान डेफिनेशन है, कोई गड़बड़ नहीं है, और ये भी आपने लिख दिया कि एक्चुअल में प्लान होता क्या है, बिकॉज यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस जिसमें आपके 6 स्टेप्स है। ठीक है, दूसरा ये जितने भी स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ ये अकॉर्डिंगली ही इनको आप प्रिपेयर करिएगा, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा ट्यूट क्लास में, या दोबारा कहेंगे दोबारा मैं समझा दूंगा। लेकिन अपने मन से इसमें कुछ जोड़ना घटाना वाला काम नहीं करना है, ना कुछ ऐड करना है, ना डेफिनेशन अपने तरफ से इसको कुछ घटानी बढ़ानी, क्योंकि ये सब फिक्स्ड है, ये डायरेक्टली आपको रिपोज करते हैं, इम्पोज करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं योर डेवलपमेंट प्रोसीजर। सो द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज नोन एज अ प्लान विच फॉर्मली आर्कुलेट द एक्शन वी फील फॉर नेसेसरी टू अचीव अवर गोल्स। दस अ प्लान इज एन एक्शन स्टेटमेंट, मीन्स यू कैन से दैट प्लान इज एन एक्शन स्टेटमेंट। दिस इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन रिगार्डिंग योर प्लान। अभी इतना श्रीवास्तव इतनी लेट से क्यों ज्वाइन किया? ओके, प्लान लीड टू एक्शन, एक्शन प्रोसीजर रिजल्ट, एंड द पार्ट ऑफ प्लानिंग इज लर्निंग फ्रॉम द रिजल्ट।
समझ रहे हैं, प्लान लीड टू एक्शन, एक्शन प्रोड्यूस प्रोसीड टू रिजल्ट एंड पार्ट ऑफ प्लानिंग इज लर्निंग फ्रॉम द रिजल्ट। नेक्स्ट कम टू द प्लानिंग टर्मिनोलॉजीज। बिफोर वी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, द अप्रोच ऑफ प्लानिंग, वी मस्ट अवेयर ऑफ फेमिलियर विथ प्लानिंग टर्मिनोलॉजीज, जो भी हम लोग यूज करेंगे टर्मिनोलॉजीज, जिस तरह से हम लोग ने ट्री, स्टैक, क्यू, इन सब में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उसी तरह से जब प्लान की बात करेंगे, क्योंकि इनमें डिटेल में हमें पढ़ना है, तो इसकी क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे। पहला होता है शेयर्ड विजन, या विजन क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज विजन? विजन से आप लोग क्या समझते हैं? पार्डन, हाँ दोबारा रिपीट करिए, कौन क्या? ओके, और ओके ओके, और कोई? देखिए शेयर्ड विजन की बात कर रहा हूं, हमने यहां पे पहले ही बताया टीम बिल्डिंग, वेन एवर वी बिल्ड अ टीम देयर मस्ट बी डेमोक्रेटिक फैसिलिटी, डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट बाय विच एवरी टीम मेंबर्स कैन शेयर देयर थॉट्स, जिसको हम लोग विजन में इंक्लूड कर लेते हैं, और वो हमारा मिशन हो जाता है। विजन के बाद बनता है आपका मिशन, प्लान इज अनदर थिंग, प्लान इज अनदर थिंग। देखिए कुछ लोगों ने अच्छा भी बताया, बाकी प्लान इसमें शामिल नहीं होता है। कुल मिलाकर के जो भी, जब हम किसी से बात करते हैं, जैसे हमने आपकी बात की, तो आपने अपने नॉलेज और सेंस के अकॉर्डिंग और एक मीनिंगफुल पर्पस को ध्यान में रख करके ही डिफाइन किया कि व्हाट इज शेयर्ड विजन, समझ रहे हैं? तो डेफिनेशन हमेशा सिंपल रखनी चाहिए और साथ ही साथ रिलेट होनी चाहिए जो भी हमारा टास्क है, जो हमारा गोल है, ठीक है? तो विजन क्या हो गया, इज अ कॉमन सेंस ऑफ पर्पस एंड वैल्यूज शेयर्ड बाय द मेंबर, ठीक है? इसके डिटेल में नोट आपको भेजूंगा। सो व्हाट इज विजन, व्हाट इज शेयर्ड विजन, इज अ कॉमन सेंस ऑफ पर्पस एंड वैल्यूज शेयर्ड बाय द टीम मेंबर या मेंबर ऑफ द टीम, क्योंकि हर पर्सन अपने विजन को अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, थॉट और सेंस के अकॉर्डिंग, और उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में उससे पूछा गया या उससे बात की गई है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने व्यूज को पुट करता है, रखता है या एक्सचेंज करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं शेयर्ड विजन, यहाँ पे वो शेयर करता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो एकदम एक्यूरेट हो, ये भी नहीं हो सकता है कि वो एकदम गलत हो, या हो सकता है कि वो उससे मैच करे या मैच ना करे, ठीक है? बट विजन का मतलब हो गया कि वो कुछ थॉट्स तो उसके होंगे जरूर, इफ ही इज रिस्पॉन्सिबल और सीरियस फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट कम टू द मिशन, चाहे तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, विजन इज अ कॉमन सेंस ऑफ पर्पस एंड वैल्यूज शेयर्ड बाय द मेंबर। नेक्स्ट कम टू द मिशन, कैंट एनीवन टेल मी अबाउट द मिशन? आप सभी लोगों ने देखा भी है हम लोग के कॉलेज में विजन और मिशन का एक जो है पूरा फ्रेम डॉक्यूमेंट सब जगह डिस्प्ले है, क्योंकि फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इट्स मिशन एंड विजन शुड बी क्लियर। तो व्हाट इज मिशन, गोल, गोल, गोल इज नॉट मिशन, गोल इज अनदर थिंग, वी आर कमिंग टू दैट, हम
लोग अभी डिस्कस करेंगे। गोल इज अनदर थिंग, गोल ऑब्जेक्टिव टारगेट दीज आर डिफरेंट थिंग। बताइए राज राठौर, टेल मी व्हाट इज मिशन। चलिए, तो समथिंग वी हैव टू अचीव मीन्स मिशन इज द रीजन फॉर बीइंग। समझ रहे हैं? मिशन इज द रीजन फॉर बीइंग, इज द रीजन फॉर बीइंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट का रीजन ही मिशन होता है। समझ रहे हैं? पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन होता है, उसका एक मिशन होता है कि वो सर्विस फॉर द पर्सनल पीपल। आप कहीं भी किसी जगह कोई पायलट बनना चाहता है, कोई जज बनना चाह रहा है, सबका एक मिशन है कि वो जज क्यों बनना चाह रहा है। ठीक है, तो हर का एक मिशन होता है, गोल दैट इज एन अदर थिंग। एक मिशन इज द रीजन फॉर बीइंग, गोल इज एन अदर थिंग। गोल इज डायरेक्टली इम्पोज टू द बेनिफिट बेनिफिशियल प्रॉफिट टर्म, मीन मनी जो टर्म टाइप का होता है वो होता है गोल। बट मिशन इज समथिंग अदर। ठीक है, इसलिए टर्म आपको लिखवा दे रहे हैं, आपको लगेगा कि सब एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट कम टू द गोल, आप गोल बताइए। गोल मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अंजलि गुप्ता, आप देखिएगा अभी तक आपने मिशन नहीं पढ़ा था, मिशन और गोल अलग अलग आ गए, तो गोल को जरा उस हिसाब से डिफाइन करिए। राजीव क्या नाम, राज अभी अभी ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है तो अलग अलग है। दीज आर नॉन सिनोनिम्स, आपको लग रहा होगा कि जैसे इनकी मीनिंग एक जैसी है, ठीक है, लेकिन वो मीनिंग एक जैसी नहीं, दे आर नॉट होमोफोन। डेफिनेटली मीन्स यू कैन ऑल्सो से दैट गोल इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट और द प्रोसेस टू अचीव योर मिशन। समझ रहे हैं? गोल भाई, हमने ऑर्गेनाइजेशन, हमने क्या किया, हमने बताया कि हम पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं फॉर द सर्विस ऑफ द पर्सनल और पीपल, लेकिन हमारा गोल क्या है? गोल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हुआ कि हमको बनना है एक पॉलिटिशियन। दोनों में अंतर समझिए, हमको बनना है पॉलिटिशियन और उसके बाद जो ये जो गोल है ये मोटिवेशनल फैक्टर इन द टर्म ऑफ योर बेनिफिट बजेटरी और समथिंग अनदर थिंग। बट मिशन इज द पर्पस और द जॉब वाट एवर इज रिलेटेड टू योर कैरियर। दोनों में अंतर है, दोनों को एक जैसा मत रखिएगा कि मिशन अलग है और वो गोल अलग है। गोल को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके, अब इसी के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव बता रहे थे, नेक्स्ट कम टू द ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? कौन? इट इज कौन? ऋतिक प्रकाश, हाँ
बताइए रितिक प्रकाश, व्हाई यू स्टॉप? देखिए, ऑब्जेक्टिव इज द स्टेप्स टू अचीव योर गोल, शॉर्ट टाइम स्टेप्स टू अचीव योर गोल। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्मॉल स्मॉल जो आपके टारगेट है, टारगेट भी अलग वर्ड है, लेकिन हम टारगेट नहीं नाम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि टारगेट है अंदर टर्मिनोलॉजी ड्यूरिंग द प्लानिंग। तो स्मॉल स्टेप्स टू अचीव योर गोल इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टारगेट क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मेक्स योर टारगेट एंड गोल इज द लॉन्ग टर्म मोटिवेशनल बेनिफिशियल फैक्टर अचीव्ड बाय यू या मे बी अचीव्ड बाय यू। सारे टर्म अलग अलग है यहाँ पे। ठीक, फिर नेक्स्ट कम टू द स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या होता है? वेरी गुड, स्ट्रेटजीज आर जनरल अप्रोच दैट शो हाउ गोल्स कैन बी अचीव। समझ रहे हैं? नेक्स्ट कम टू द टैक्टिक्स। इस समय आपको लग रहे होंगे कि एक जैसे, लेकिन ये एक नहीं है, ये सब यूज होंगे अभी प्लानिंग में, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। टैक्टिक्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाट यू मीन बाय टैक्टिक्स? अब You can also define as that tactics are more specific guides to action that how implement your strategies. When the implementation of strategies, ठीक है, जो आप strategies को implement किस तरह से करेंगे उसको भी हम लोग कहते हैं tactics, तरीका, tricks also, approach. ठीक है, स्ट्रेटजीज को भी किस तरह से इम्पोज करना है, फंक्शन में लाना है, उसको हम लोग कहते हैं टैक्टिक्स। नेक्स्ट कम टू द पॉलिसीज। सब ये टर्म आपने सब सुने हैं, पॉलिसीज। बाकी लोग बताइए भाई, सब लोग बैठे हुए हैं। अनिल गुप्ता आप हैं? अच्छा, किताब मिल गई क्या या नेट से देख लो? हाँ सही बता रहे हैं। क्या नाम है दीदी का? हाँ, लेकिन जो भी है सही बता रहे हैं, जो भी आपकी जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, जनरल गाइडलाइंस या डायरेक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग इज नोन एज पॉलिसीज। बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। नेक्स्ट कम टू द रूल्स। मीनवाइल आप लोग सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिएगा चैट बॉक्स पे, अटेंडेंस अपनी कर दीजिए। ठीक है, आंसर भी करते रहिए, अटेंडेंस भी करते रहिए, और बाद में हम इसके बाद फिर फर्दर कोई जाएगा नहीं है, लास्ट में मैं मैच करूंगा। नेक्स्ट कम टू द रूल्स। What do you mean by rules? Garima Singh, what do you mean by rule? हाँ, but you must explain in context or of planning. Means rule is the protocol and also set of instruction whatever told by you to implement the policies.
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कैसे होगी, रूल्स प्रोटोकॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप दूसरे तरह से भी ले सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजर। प्रोटोकॉल तो रूल हो गया, एंड देन जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं नोन एज प्रोसीजर्स। तो रूल एंड प्रोसीजर आर द मेन सोर्स और द मेथड्स बाय विच योर पॉलिसीज कैन बी इंप्लीमेंट। यानी ये डायरेक्टली रिलेट है पॉलिसीज से। पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरत होती है रूल्स एंड प्रोसीजर्स की। नेक्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इफ एनीवन इज नॉट कंफर्टेबल और नॉट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लानिंग, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क। क्या बता दें, स्ट्रेटजीज तो जैसे बताया जनरल अप्रोच दैट शो हाउ गोल शुड बी अचीव। जनरल अप्रोच दैट हाउ गोल शुड बी अचीव, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। तो जब हमने गोल की बात की तो गोल कैसे आप अचीव करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। तो गोल को अचीव करने के लिए जो गाइड आप कोई प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जो भी वो भी प्रोसेस का मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक टैक्टिक्स में आ जाता है। लेकिन जनरल इसलिए वर्ड यूज कर लिया, जनरल अप्रोच वट एवर फॉलोड बाय यू टू अचीव योर गोल इज नोन एज स्ट्रेटजी। जहां टैक्टिक्स की बात होती है वहां ट्रिक्स की बात हो जाती है, एंड दिस इज मैनिपुलेटेड एक्टिविटी। स्ट्रेटजी इज जनरल एक्टिविटी, टैक्टिक्स इज मैनिपुलेटेड एक्टिविटी टू अचीव योर गोल। एनीवन एल्स वी नॉट कंफर्टेबल विद दिस डिसीजन डेफिनेशन? हाँ हो, मिशन और एम एक ही सब आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इनको भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिशन और एम तो लगभग एक ही होता है, दीज आर सिनोनिम्स, बट डिपेंड करता है। देखिए कोई भी वर्ड बिल्कुल सेम नहीं होते, बहुत अच्छे समझिए, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, दे चेंज दियर मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। जैसे वॉट, वॉट का मतलब क्या होता है, लेकिन वॉट जब किसी सेंटेंस को जोड़ने में आ जाता है उसका मतलब होता है जो, समझ रहे हैं? तो वो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। तो आप सेम कह भी सकते हैं, लेकिन जब आप इसको भी कहेंगे नहीं ये दोनों वर्ड अगर सेम है तो दो वर्ड की जरूरत क्या है, तो जब इनको बाइफरकेट करेंगे तो आप अपनी सुटेबिलिटी और अपनी प्रोसिबिलिटी के हिसाब से प्रोसीजर जो भी आप फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिफाइन, यू कैन चेंज मोल्ड योर डेफिनेशन। नेक्स्ट, और किसी को कोई दिक्कत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारे अभी हम लोग की जो भी डिस्कशन होगा उसमें दिस टर्म विल बी यूज्ड। नेक्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें आपका स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, टेक्टिकल प्लानिंग है, ऑपरेशनल प्लानिंग है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग। एज नेम सजेस्ट, स्ट्रेटजिक प्लानिंग डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन मिशन गोल्स स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। समझ रहे हैं, जितने भी टर्म लोगों ने यूज किए हैं, चाहे मिशन हो चाहे गोल हो या स्मॉल टर्म जो है आपको यूज होता है गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, दीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द स्ट्रेटजिक प्लानिंग। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इनको यूज करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिगिन द प्रोसेस बाय डेवलपिंग अ शेयर्ड विजन यूजिंग वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग टीम बिल्डिंग, सिनेरियो मॉडलिंग एंड कंसेंसस क्रिएटिंग एक्सरसाइज। कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिफोर यू इम्प्लीमेंट एनी टाइप ऑफ
डेवलपमेंट प्रोसेस, एनी टाइप ऑफ फॉर्म डिजाइन, सिंगल फॉर्म डिजाइन, इन सब में भी कंसेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आप डायरेक्टली इम्पोज नहीं कर सकते हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वॉट एवर दे आर ज्वाइनिंग, वॉट एवर दे आर डिजाइनिंग, वॉट एवर दे आर कंबाइनिंग, ऑल मस्ट शेयर दियर विजन। आपको इन सबके कंसेंसस जरूर लेने पड़ेंगे एज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ योर टीम। ओके, सो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग विद स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। देयर आर मेनियस एक्टिविटीज, वेरियस टेक्निक्स एंड ऑल्सो वेरियस क्वेश्चन यू मस्ट आंसर बिफोर एनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग। कौन कौन से सब क्वेश्चन होते हैं आपके, जब आप इन क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, जब इन क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे, देन यू आर एबल टू एक्चुअली प्लान अकॉर्डिंग योर स्ट्रेटजीज, अकॉर्डिंग योर नीड, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज हैपनिंग, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, सत्यम राय ये टाइम इसका होता है, एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन मींस जो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमसे रिलेट करती, हमारे जैसा काम करती हैं, उनमें और अपने में क्या चल रहा है। सो दिस इज द ब्रॉड स्टेटमेंट, ब्रॉड क्वेश्चन, यू मस्ट आंसर दीज क्वेश्चन विद अनदर डिफरेंट क्वेश्चन कम इन टू दिस कैटेगरी, मीन्स वॉट आर द न्यू सोर्सेज ऑफ इनोवेशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज, वेयर डज सर्विस गिवन एन एज, वॉट आर द लीडर्स डूइंग एंड वाई, what does all this means for the basic direction and priorities of our business, you must answer these question in that category. Second question, what makes us special, what must, ye sab question agar aap answer karenge then only you are able to confine the user requirement, what we do to remain so. Pehla, what makes us special, hum special kyun hain, customer humko kyun choose kare, what is the core of our business, core of our business ka matlab ki actual mein jo hum kaam kar rahe hain, jo hum solution provide kar rahe hain, jo hamare views aur thoughts hai, what why it is special from other, आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद योर एक्शन। हाउ डू वी रिमेंटेन डिफरेंशिएशन, कैसे आप इस डिफरेंशिएशन को मेंटेन कर पाते, एंड वाई विल कस्टमर गिव अस दियर लॉयल्टी और गिव इट टू अदर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई कस्टमर मस्ट फेट ऑन यू, क्यों फेथ करे आपके ऊपर, क्यों आपके पास से ना चला जाए, क्यों आपको ही अपना कोई भी रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल करने के लिए आपको एक टास्क वो प्रोवाइड करे। तो ये क्वेश्चन, इनका आंसर देना बहुत जरूरी है, यानी ये आपके लिए जरूरी है। थर्ड वन इज हु आर अवर कंपटीटर्स, एंड बिजनेस पार्टनर्स, मीन्स हु आर अवर कंपटीटर्स एंड हु इज पार्टनर नाउ। वेन एवर यू आर डीलिंग विद अ ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो गया, यू आर ऑल्सो डीलिंग विद हार्डवेयर, अगर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो कभी कभी ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जहां पर आपको पूरा हार्डवेयर का मेंटेनेंस भी आप ही को देखना होता है, एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के मेंटेनेंस तक, उसके लिए क्योंकि आपका ये जॉब नहीं है, बट यू कांट से दैट
इज इट नॉट योर जॉब, देन यू हायर डिफरेंट पार्टनर्स, डिफरेंट वेंडर्स, सो द हेल्प ऑफ द कस्टमर्स कैन बी मेंटेन बाय यू, फुलफिल बाय यू विद द हेल्प ऑफ देयर पार्टनर्स ऑल्सो. और आपके जो पार्टनर उनके थ्रू भी आपको ये करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो यू मस्ट रिकॉग्नाइज हु इज योर कंपटीटर. ऐसा ना हो कि जो आपके पार्टनर है कल आपका बिजनेस वही स्नैच करके वो लेके चले जाए, वही आपके एनिमी ना बन जाए. तो ये भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. हु विल अवर कंपटीटर्स एंड पार्टनर्स फॉर लॉन्ग टर्म, व्हाट कॉज द चेंजेस, व्हाट प्रेशर एंड अपॉर्चुनिटीज डज दिस क्रिएट फॉर अस, आर अवर कंपटीटर्स पोटेंशियल पार्टनर सप्लायर्स फॉर कस्टमर्स. सो आंसर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू वी वॉन्ट टू बी. मीन्स स्टाइल ऑफ वर्किंग, व्हाट इज अवर कल्चर एंड हाउ डू वी केप्ट इट वाइटल एंड इफेक्टिव. मीन्स जहां पे हमने अभी आपकी गोल और मिशन की बात कही थी, योर थॉट, योर इथिक्स, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर स्टाइल ऑफ वर्किंग, हाउ डू वी वॉन्ट अवर कस्टमर्स एंड कंपटीटर टू सी अस, वॉट मेक इट इजी टू वर्क हेयर एंड वॉट मेक्स इट हार्ड, वॉट आर वी डूइंग टू क्रिएट एंड नर्चर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड कोलेबोरेशन. ये सब भी आपको मेंटेन करना है. बाई दिस योर कस्टमर रिटेन लॉयल फॉर यू ओनली. जब तक आप अपने थॉट्स, अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे फॉर योर कंपटीटर, फ्रॉम योर कंपटीटर, देन यू विल नॉट सर्वाइव इन द इंडस्ट्री और मार्केट. तो कस्टमर तभी अट्रैक्ट होगा. जैसे पंचुअल होना जरूरी है, ठीक है. अब आप में ये, आप किसी के पास जाते हैं, किसी शॉप के पास, या किसी शॉप के में जाते हैं, कोई भी किताब भी लेने जाते हैं, बुक्स भी लेने जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो आपको सही से हैंडल कर रहा है, आपकी जॉब को सही से प्रोसेस कर रहा है, मीन्स कोई किताब आपने परचेज की वो आपको समझ में नहीं आई, तो इजिली वो रिटर्न कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है. लेकिन अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, या आप उसकी बातचीत सही नहीं होगी, वो डील सही से नहीं कर रहा है, वो बोलेगा नहीं, एक बार हमने जो आपको माल सेल आउट कर दिया वो हम उसको वापस नहीं लेंगे, या इतने समय के बाद ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, पैसे भी थोड़े ज्यादा ले रहा है, सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे आप? वहां से अपने आप को तुरंत, जहां से जो आप रूटीन कस्टमर, तुरंत अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे वहां से, दोबारा नहीं जाएंगे. या और साथ ही साथ जब आप नहीं जाएंगे तो आप एक क्या करेंगे, एक फैक्टर हो जाएंगे टू कट दियर ओरिजिनल कस्टमर जो उनके होंगे. जब ये चीज बातचीत हो रही होगी तो आसपास जो कस्टमर होंगे दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दियर बिहेवियर. तो क्या होगा, धीरे धीरे मार्केट में उसकी जो है गुडविल वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी और कस्टमर धीरे धीरे वहां से कट होते चले जाएंगे. सो दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू इम्प्लीमेंट योर स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन. सो दिस इज ऑल अबाउट, इन शॉर्ट, अबाउट स्ट्रेटजिक प्लानिंग. बाकी अभी इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपका बिजनेस अलाइनमेंट है, कंपटीटिव एडवांटेज है, आल्सो टेक्नोलॉजी वट एवर यूज इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.